दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। देखिए, लड़ाई ही हम अपने किसानी आंदोलन की लड़ रहे हैं, है ना, और हमारी होंद की लड़ाई है। सो मैं तो उनका एक सोल्जर हूँ, बहुत महीनों से लगे हुए हैं, आप और जाएंगे कि नहीं पीसफुली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हाँ क्योंकि जी, ये सवाल मेरा इसलिए है कि आपका जब सुनवाई हो रही थी तो आपकी तरफ से कोर्ट में रखा गया है कि दीप सिद्धू जो है वो किसान नेता नहीं है। नहीं, देखिए, किसान नेता नहीं, नहीं नहीं है, सॉल्जर पर उनका एक किसान किसान सेवादार या सोल्जर है ना। और किसान जब सुप्रीम कोर्ट हमें ये बोल रहा है भी पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका हक है, तो पीसफुल प्रोटेस्ट ही हम कर रहे हैं। 6 महीनों से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी बाद में फिर आपसे डिटेल में बात करेंगे। मेडिकल ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, और 24 तारीख को, 24 अप्रैल को 9,103 मेट्रिक टन्स प्रोडक्शन हुआ है। उल्लेखनीय है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो खाली 7,259 है, 7,259 मेट्रिक टन्स, पर
भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों और यूटीज की सरकारों तथा हमारी इंडस्ट्री ने मिलकर इस राष्ट्रीय आपदा के समय में इस पर बहुत मेहनत करके इसको बढ़ाते बढ़ाते अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से भी कहीं ज़्यादा पहले 8,000 पहुँचाया और परसों ये 9,103 मेट्रिक टन था। भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है कि आप सारे टैंकर्स मोबिलाइज करें, ऑक्सीजन के साथ साथ कन्वर्टेड नाइट्रोजन आर्गन्स टैंकर्स भी। और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो उनकी निरंतर मदद कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके एक रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ टैंकर्स का सिस्टम डेवलप किया है जिसमें वो GPS टैगिंग को यूज़ कर रहे हैं। अभी हमें एक समस्या ये आती थी कि जब टैंकर्स चलते थे तो ये पता नहीं चलता था कि वो कहाँ पे हैं और कब पहुँचेंगे, तो जो प्लानिंग करनी होती है कि जब टैंकर के आने पे हम ऑक्सीजन को कैसे अपने हॉस्पिटल्स को बहुत एफिशिएंट तरीके से बांटें जिससे कि किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने से कोई दुर्घटना ना हो, वो उसमें ये उसको दूर करने के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। और GPS ट्रैकिंग के द्वारा अब हम धीरे धीरे अपने सभी टैंकर्स के बारे में हमें मालूम चल जाता है कि साहब वो कब भर के निकला प्रोडक्शन साइट से और अभी रास्ते में कहाँ है और वो कब पहुँचने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.